नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की एक और डेरिवेटिव को पढ़ा जाए, और वो डेरिवेटिव है एमाइड्स, जो कि अभी हम कर रहे थे, हमने एनहाइड्राइड से बनाया उसको, है ना। तो ये क्या चीज है, फिर से एक डेरिवेटिव है, जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो हमारी यहाँ पे प्रिपरेशन में काम आएगी, बनाने में काम आएगी। तो एमाइड्स किन कंपाउंड्स को कहते हैं जो एसिड से ड्राइव हुए हैं, मगर क्या हुआ है उसमें, क्या तब्दीली आई है, जो उसका समूह है COOH का, जो समूह है, जो ग्रुप है COOH ग्रुप, उसमें क्या तब्दीली आई, हमने OH को रिप्लेस कर दिया, किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया, NH2 से, NH2 होता अमीन ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दिया, और जो हमें कंपाउंड मिला वो है RCONH2, जैसे कि CH3CONH2। अभी मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए थे, तो ये क्या है, एसीटामाइड। सो ये बन गया हमारा एसीटामाइड। क्या है ये अमाइड्स, किन कंपाउंड्स को हम कहते हैं जिसमें कौन सा ग्रुप है, COOH2 ग्रुप को हम अमाइड कहते हैं। इस ग्रुप की बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, हमारा पूरा जो यूनिवर्स है, लाइफ है, वो इस अमाइड पे है। क्यों है, क्योंकि अमाइड जो है प्रोटीन का पार्ट बना, और प्रोटीन से हमारा पूरा सिस्टम चलता है, हमारा पूरा ह्यूमन बीइंग से लेकर एनिमल से लेकर सबके किंगडम में हमारे को प्रोटीन की विशेष महत्वता है। तो जो भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हम लिखते हैं CH3, CH2, CONH, CH2, CONH, CH2, so, तो आप देखिए ये क्या है, कौन सा ग्रुप है, एमाइड ग्रुप, CONH, CONH। और प्रोटीन्स क्या होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स जब आपस में जुड़ते जाते हैं, बहुत लंबी चेन बनाते हैं, और जो बन के आता है उसको हम प्रोटीन कहते हैं। लेकिन किस चेन से बनते हैं, किस ग्रुप से जुड़ते हैं, वो ग्रुप है COONH, यहाँ तो NH2 है क्योंकि खत्म है, क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो COONH। तो COONH ग्रुप होता है एमाइड ग्रुप, और बनता कहाँ से है, एसिड से। कैसे बनता है वो अब हम आगे पढ़ने जाएंगे। अब हमने इसको पुकारना कैसे है, इसका नॉमनक्लेचर कैसे है, जैसे कि अभी तक आप इतने डेरिवेटिव्स पढ़ते आए हो और हर जगह मैंने बताया आपको उदाहरण कि हम कॉमनली उसको कैसे नाम बुलाएंगे और हम उसको IUPAC से कैसे बुलाएंगे। तो इसमें भी वही चीज है, कॉमनली नाम जिस सोर्स से निकला है, जिस एसिड का नाम है उसी एसिड से ड्राइव हुआ, फॉर्मिक एसिड से ड्राइव हुआ तो फॉर्मिक एसिड का नाम आएगा आगे, ऐसे ही एसिटिक एसिड से हुआ तो एसिटिक एसिड का नाम आएगा। लेकिन सुफिक्स क्या होगा, मतलब अंत किससे होगा, एमाइड, वर्ड कौन सा इस्तेमाल होना है, एमाइड, AMIDE। तो अगर फॉर्मिक एसिड से हुआ तो फॉर्मामाइड, एसिटिक एसिड से हुआ तो एसिटामाइड, एंड ये है हमारा HCONH2। अगर ये HCONH2 नहीं होता तो क्या होता, HCOOH, इसका नाम है कॉमन नेम, फॉर्मिक एसिड, हमने इसको OH को बदल दिया NH2 से, तो बन गया HCOONH2, तो कॉमन नेम क्या हो गया, फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरी उदाहरण लेते हैं CH3CONH2, तो ये पार्ट देखिए क्या है, कहां से आया, एसिटिक एसिड से, तो क्या हो गया CH3CONH2, तो इसका हम क्या बोलेंगे नाम, कॉमन नेम एसिटामाइड, ठीक हो गया। ऐसे ही अब एक एरोमेटिक ले लेते हैं कंपाउंड, उसका नाम देखते हैं क्या बनेगा, फिर हम देखेंगे इसको हम
केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलेंगे, टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे, आयुपैक नॉमेनक्लेचर के हिसाब से हम उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लिखते हैं एरोमेटिक, CONH2। तो कहां से ड्राइव है, बेंजोइक एसिड से, है ना। और वर्ड कौन सा इस्तेमाल करना है, सुफिक्स अमाइड, तो इसका नाम हो जाता है बेंजामाइड। हो गया कॉमन नेम, फॉर्मामाइड फॉर्मिक एसिड से, एसिटामाइड एसिटिक एसिड से, बेंजामाइड बेंजोइक एसिड से। अब हमें चाहिए आयुपैक नाम। चलिए HCOONH2, इसका आयुपैक नाम क्या है फॉर्मिक एसिड का, मेथेनोइक एसिड, और ये हो जाएगा मेथेनामाइड। अब हम लिखते हैं CH3CONH2, इसका आयुपैक नाम एसिड का क्या है, एसिटिक एसिड का, इथेनोइक एसिड, यहां हम लिखेंगे इथेनामाइड। तो ऐसे ही जो उनका हमारा नाम है, जो कॉमन ये है आपका आयुपैक नाम है एसिड का, लेकिन उसको एंड कैसे करना है, हमने उसको एंड करना है आइड वर्ड से। तो अब हम जानते हैं इन अमाइड्स को बनाने की विधियां, कैसे हम बना सकते हैं। अभी हमने दो तीन मेथड तो अभी हमने देखे थे, तो रिएक्शंस देखी थी, किसकी देखी थी, एनहाइड्राइड की, हमने उसको अमोनिया के साथ ट्रीट किया। वही कुछ मेथड्स को, चुने हुए मेथड्स को मैं अभी आपको बताती हूँ कि हम इसको बना कैसे सकते हैं, इसकी विधि क्या है इसको बनाने की, फिर हम इसकी विशेषताएं भी पढ़ेंगे। अभी हम लिखते हैं इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन भी बोल सकते हैं और सिंथेसिस भी बोल सकते हैं, दोनों चीजें हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सो जो पहला मेथड है, हम किसी भी एसिड को अगर अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे तो एक अमोनियम सॉल्ट बनेगा, उस अमोनियम सॉल्ट को अगर हम हीट करेंगे तो हमारे पास एमाइड बन जाएगा। ये एक बड़ा विशेष मेथड है, वो है फ्रॉम कहां से, अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अब कार्बोक्सिलिक एसिड तो आप अभी तक जान ही चुके हो क्या है, COOH ग्रुप, उसका अमोनियम सॉल्ट, किसी भी एसिड का अमोनियम सॉल्ट जो है वो अगर हम हीट करते हैं तो हमारे पास एमाइड बनता है। लेकिन हम अमोनियम सॉल्ट बनाएंगे कैसे, पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएंगे और हमारे पास जो बन जाएगा दैट इज बन जाता है RCOONH4, जिसको हम बोलते हैं अमोनियम सॉल्ट। अब इसी अमोनियम सॉल्ट को हमने हीट करना है, गर्म करना है। मैं अभी एक सिंबल लिखूंगी ट्रायंगल जैसा, इसका मतलब होता है हीट, ट्रायंगल का मीनिंग होता है हीट। तो क्या बन जाता है इसमें, RCONH2। तो हमें क्या बनाना है, एमाइड, कौन सा ग्रुप, CONH2। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको हीट करते हैं अमोनियम सॉल्ट को, और हमारे पास जो बन जाता है, तब्दील हो जाता है वो एमाइड, और हम अब एक एग्जांपल लेंगे, हम कोई भी उदाहरण लेते हैं जिससे हम, ये तो जनरल, अगर आपसे कोई पूछे या सिंथेसिस ऐसी आती है एमाइड हम कैसे बना सकते हैं, तो आर तो कॉमन वर्ड है, कॉमन है, इसकी जगह मिथाइल भी हो सकता है, फिनाइल भी हो सकता है, बेंजाइल भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है, आपके बहुत सारे डेरिवेटिव्स बन जाएंगे, बाय नेम भी आ सकते हैं, लेकिन कॉमनली हम क्या बोलेंगे, एमाइड्स हम कैसे बना सकते हैं, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के द्वारा अगर हम क्रिया कराते हैं तो हमें अमोनियम सॉल्ट मिलता है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड के अमोनियम सॉल्ट को बस हमने हीट करना है, गर्म करना है, और हमारे पास जो है एमाइड की तब्दीली हो जाएगी, वो सॉल्ट जो है वो एमाइड में बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ और फिर उसको हम समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है। चलिए हम लिख रहे हैं एसिटिक एसिड, और हमने इसको अमोनिया के साथ, NH3 है, अमोनिया है, उसके साथ हमने इसकी क्रिया कराई और हमारे को मिल गया CH3COONH4। इसमें से H पॉजिटिव निकल गया और अमोनिया ने वो H को ले लिया, तो बन गया CONH4। तो ये अमोनियम सॉल्ट है, CH3COONH4 किसका सॉल्ट है, ये सॉल्ट है एसिटिक एसिड का अमोनियम सॉल्ट।
अब ये अमोनियम सॉल्ट को हमने क्या क्रिया करी, हमने इसको बस गर्म कर दिया। गर्म करने का ये ट्राइंगल का मतलब ही होता है ही, और हमें जो मिल गया CH3CONH2 प्लस वाटर, और इसका नाम है, ये एसिटिक एसिड से निकला है, इसका नाम है एसिटामाइड। ठीक हो गया, तो ये बन गया हमारा एसिटिक एनहाइड, एसिटिक एसिड से अमोनियम सॉल्ट से हमने एसिटामाइड बनाया। अब आपको अगर पूछा जाए आप एसिटामाइड कैसे बना सकते हैं, तो जनरल मेथड है एसिटिक एसिड के अमोनियम सॉल्ट से। अब एसिटामाइड की जगह आपको इथेनामाइड पूछ लिया तो कैसे करोगे, सोचोगे हमने तो पढ़ा ही नहीं है। इथेनामाइड का मतलब हुआ हमने इस CH3 की जगह CH2 को डालना है, तो हमारा इथेनामाइड बन जाएगा। चलिए अब हम अगला मेथड करते हैं। अगला मेथड है एनहाइड्राइड्स से। हम एसिटिक, आप हम जो एनहाइड्राइड है, एसिड एनहाइड्राइड्स है, अगर हम उसको अमोनिया के साथ क्रिया करवाएं तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो होगा एमाइड्स। फ्रॉम अगला मेथड बताया मैंने, अब क्या है, फ्रॉम एनहाइड्राइड्स, कौन से एनहाइड्राइड्स, एसिड्स एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड्स को अमोनिया के साथ हम क्रिया करवा रहे हैं, और जो हमारे को नतीजे में जो मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, वो हमारा हमारा एमाइड। चलिए हम लिखते हैं RCO2O, जिसको अभी हमने जब हम एनहाइड्राइड्स पढ़ रहे थे तो मैंने अमीनो अमोनियोलिसिस बोला था, वही चीज है, और हमें मिल गया RCONH2, है ना, प्लस हमारे को मिला RCOOH। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड की, हमने क्या डाला इसमें, अमोनिया, और हमें क्या मिल रहा है, CH3CONH2 प्लस CH3COOH। तो जो एनहाइड्राइड की विशेषता थी कि वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं और किस में बदल जाते हैं, अमाइड्स में बदल जाते हैं, वो उसकी विशेषता है। यहाँ वो इसकी प्रिपरेशन है, बनाने की एक विधि है। तो हमने एसिटामाइड बनाना था, तो हम एसिटामाइड अभी हमने पहले किससे बना लिया, एसिटिक एसिड के अमोनियम सॉल्ट से। अब हमने एसिटामाइड किससे बना दिया, हमने एसिटिक एनहाइड्राइड और अमोनिया की रिएक्शन करवा के हमने इसका को बदल दिया, एनहाइड्राइड को हमने एमाइड में बदल दिया, और एमाइड का मतलब है कौन सा ग्रुप, CONH2। ठीक है, अब एक और विधि देते हैं, दैट इज एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइड। एक चीज का ध्यान हमेशा रखिए, हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए, हाइड्रोलिसिस न्यूट्रल वे में भी होती है, एसिड के वे में भी होती है, और एल्कलाइन मीडियम के साथ भी होती है। यह आप पहले भी कर चुके हो, एसिड बनाने की एक विधि हमने पढ़ी थी, हमने बोला था नाइट्राइल्स जो है, साइनाइड्स जो है, अगर हम उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करें तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं एसिड बनाने के लिए, और एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, तो हर जगह प्रोडक्ट जो है आपका भिन्न निकलेगा। एस्टर्स की एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, एस्टर्स की एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिड बनता है, लेकिन एसिड की एस्टर्स की बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, बेस के मीडिया के प्रेजेंस में करते हैं तो वो सोडियम सॉल्ट बनाते हैं। तो हर जगह कोई ना कोई विभिन्न प्रकार का प्रोडक्ट बन जाता है, कैसी कैसी हम कंडीशंस यूज करते हैं, क्या क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा एल्कलाइन मीडियम कर दिया तो प्रोडक्ट कुछ और हो जाता है, जैसे कि आप इस उदाहरण में देखोगे, दिस इज फ्रॉम नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स होते हैं साइनाइड्स, क्या सिंबल होता है, C(NN), साइनाइड्स, जैसे कि पोटेशियम साइनाइड, ऐसे ही नाइट्राइल, नाइट्राइल ही वर्ड यूज इसको किया जाता है, जो केमिकल लैंग्वेज है, हम इसको नाइट्राइल बोलते हैं। इसकी अगर हमने हाइड्रोलिसिस करी, कौन सी हाइड्रोलिसिस, हमने इसकी करनी है एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स विल ऑलवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एमाइड्स। सो जैसे कि हम एग्जांपल लें, चलिए RC(NN), ये है हमारा कोई भी नाइट्राइल, हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करी एल्कलाइन, यू हैव टू ऐड, हमने ऐड करना है वर्ड एल्कलाइन, और हमारे को जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी CONH2। अब आपको अगर बनाना हो इथेनामाइड तो हम क्या यूज करेंगे, C2H5 C(NN) और हाइड्रोलिसिस करी हमने, कौन सी हाइड्रोलिसिस करी, एल्कलाइन, और हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बदलाव हुआ, और हमें क्या मिल गया, C2H5CONH2, तो हमने बना दिया इथेनामाइड। अब अगर आपको बेंजामाइड बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं, इसी वाले मेथड से, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, विशेष मेथड है, मैंने इसीलिए आपको
ये जानकारी दी कि हमें अगर बनाना है बेंजामाइड, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसलिए उसको बनाने के लिए हमारे पास जो विधि है वो है बेंजाइल नाइट्राइल्स। एंड बेंजाइल नाइट्राइल्स आर वेरी वेरी यू नो साइनाइड जो होते हैं, बहुत पॉइजनस होते हैं, तो बहुत केयरफुली इसके साथ हमें काम करना पड़ता है। हम क्या लेंगे? बेंजाइल नाइट्राइल और हाइड्रोलिसिस एल्कलाइन। आप खाली एल्कलाइन वर्ड ही लिख दिया तो ये अंडरस्टूड हो जाता है, ये हमारे पास समझा जाता है, ये हमारा बन गया बेंजामाइड। तो ये कुछ दो तीन उदाहरण हैं जो मैंने आपको बताए इसको सिंथेसाइज करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए कि हम अमाइड्स को कैसे बना सकते हैं। और चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कंपाउंड्स हैं, अमाइड्स हैं, आपका जो एक सिंपल कंपाउंड जो बहुत खेती में इस्तेमाल करते हैं उसको हम यूरिया कहते हैं। नाम सुना है यूरिया, NH2CONH2। तो देखिए एक किस्म का जो इसमें ग्रुप जुड़ा है, क्या है? अमाइड ग्रुप है। तो बहुत तरह से इसकी विशेषताएं हैं, बहुत विधियां हैं, बहुत चीजें हैं, ये एम्पोटेरिक नेचर है, बहुत सारी इसकी क्रियाएं हैं जो इसको बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देती है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, इसकी कुछ विशेषताएं जानते हैं। चलिए अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। इनका जो ज्यादातर जो है ये कंपाउंड्स का लिक्विड होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। अब वो कारण क्यों है? क्योंकि इसकी जो जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ भिन्नता है, कुछ ऐसी चीज है जो इसको विशेष बना देती है। अब सबसे पहले जो इसका स्ट्रक्चर हम जानते हैं, जैसे ये है RCONH2, इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता आती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले हम ये जानना चाहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इंटरमोलिक्यूलर है कि इंट्रामोलिक्यूलर है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है और इसमें क्यों है? जब भी हमारे पास दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन शेयर हो जाए, एक एच दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में शेयरिंग हो जाए, वो भी उसको ले ले, वो भी उसको ले ले, तो इस वाली बॉन्डिंग को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो मतलब हुआ अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है उसके साथ क्या जुड़ा होना चाहिए? एच। उसी के बगल में दूसरा मॉलिक्यूल आया जिसके पास भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो क्या करेगा? कोशिश करेगा इसके साथ जो एच जुड़ा है मैं उसको अपने साथ अट्रैक्ट करूं। जब ऐसा अट्रैक्शन होता है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। दो मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकती है और एक ही मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकती है, तो हम इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये विशेषता हमारे अमाइड्स में पाई जाती है। अब देखिए क्यों पाई जाती है, देखिए इसका स्ट्रक्चर, जानिए ये क्यों पाई जाती है और कैसे कर सकती है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इसकी विशेषता में आता है और जो कि इसको हाई बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड बनाता है। ये है हमारा RCONH। चलिए यहां से दूसरा मॉलिक्यूल आ गया CORNH, यहां से दूसरा मॉलिक्यूल आ गया COR। अब देखिए क्या है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है? जिसकी टेंडेंसी है मैं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ रखूं। यहां से हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नाइट्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन उसको बीच में क्या मिल रहा है? ये H। तो ऑक्सीजन की क्या टेंडेंसी हो रही है? मैं इस H को अपने साथ रखूं। अब फिर इसका जो NH2 है, दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसका जो NH2 है, इसमें फिर H आ गया, ये तीसरे मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन, ये फिर उस H को अपने साथ लेना चाहता है। तो देखो आप कभी भी जो अमाइड्स होते हैं वो सिंगल में नहीं रहेंगे, उनको जैसे ही आप सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या हो जाएगा? वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत हाई हो जाएगा। तो क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की विशेषता है, क्यों है इसकी विशेषता? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल के बीच में CO ग्रुप भी है, NH2 ग्रुप भी है, दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दूसरा मॉलिक्यूल आया
उसके साथ वो एच को बांध लेता है। बड़ी टेम्प्रेरी बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मगर है जितनी टेम्परेरी बॉन्डिंग करेगा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको मॉलिक्यूल को स्टेबल बना देगा, उस पर जल्दी से अटैक नहीं होगा। ये सिंगल नहीं रहेगा, इसके साथ बहुत सारे जुड़ गए तो अटैक जितनी भी स्पीशीज है उसके साथ उसकी मुश्किल। तो इसको हम कहते हैं जितना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा उतना वो रिएक्टिव काम होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको ये वाली क्षमता प्रदान करता है। चलिए अब हम दूसरी देखते हैं इसकी विशेषता। ये एमाइड्स जो है इनकी विशेषता थोड़ी एसिड की भी होती है और थोड़ी बेस की भी होती है। थोड़ा ये बेसिक भी बिहेव करता है और थोड़ा ये एसिड की तरह भी बिहेव करता है। अब हम जानेंगे कैसे, मतलब इसका एम्फोटेरिक नेचर का क्या मीनिंग हो गया, क्या मतलब हुआ? मतलब वो कंपाउंड जो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और वो कंपाउंड जो बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। तो चलिए अब हम लिखते हैं RCONH2 और इसकी हम क्रिया करवाते हैं किसी मिनरल एसिड से। अगर आप अच्छे से सोच के देखें तो कभी भी कोई भी बेस अगर किसी एसिड के साथ कंबाइन करती है तो क्या बनाती है? सॉल्ट। जैसे कि एग्जांपल दे देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें हमने क्या डाला? HCl, और हमारे क्या बन रहा है? NaCl। तो क्या हो गया? एसिड ने बेस के साथ मिलके सॉल्ट बनाया। तो अगर तो ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो इसको सॉल्ट बनाना चाहिए। तो क्या होता है, जब भी कोई एमाइड को हम मिनरल एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये सॉल्ट बना देता है, NH2HCl। तो इसका मतलब हुआ इसमें थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक किसकी आ गई? बेसिक कैरेक्टरिस्टिक आ गई। तो क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये सॉल्ट बना रहा है, तो इसका मतलब है ये बेस की तरह बिहेव करता है। दूसरा, अगर ये एसिड है तो एसिड का क्या काम है? अगर ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो बेस के साथ सॉल्ट बना रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है तो एसिड की तरह सॉल्ट बना रहा है। और अगर हम इसको NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो ये हमारे को वो विशेष प्रॉपर्टी दे देता है कि ये सॉल्ट की तरह काम करना लग जाता है। अब हम उसकी एक एग्जांपल ले लें, जैसे कि हमारे पास एसिटिक एसिड हो, जैसे कि हमारे पास एसिटामाइड हो, कोई भी ऐसी वाली चीज हो, तो हम क्या करेंगे, ये क्या करता है, हम इसको जब ट्रीट करते हैं NaOH के साथ तो ये क्या बना देता है? तो मतलब हुआ थोड़ी तो इसकी प्रॉपर्टी, थोड़ी तो इसकी विशेषता कैसी है, एसिड की तरह है, और थोड़ी विशेषता कैसी है, बेस की तरह है। तो इसलिए हम इस कंपाउंड को, एमाइड्स को, एम्फोटेरिक कंपाउंड्स बोलते हैं। चलिए अब हम इसकी अगली एक प्रॉपर्टी करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो रही है और बाहर से एक ऐसी स्पीशी उस पर अटैक कर रही है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक चीज निकलेगी और दूसरी चीज आएगी। अब इसमें क्या चीज है, देखिए RCONH2 कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन का क्या काम है कि मैं इलेक्ट्रॉन्स को ले जाऊं। विद द रिजल्ट क्या हुआ, ये प्लस हो गया। अब ये प्लस है तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, तो हमारे पास जो स्पीशी जनरेट हो सकती है वो है NH2+। अब हमारे पे बहुत आसानी से जो एक न्यूक्लियोफाइल आएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन पे अटैक कर सकता है। तो होगा क्या कि हमारे को सब्स्टिट्यूशन हो सकती है एमाइड्स में किससे, किसी भी न्यूक्लियोफाइल से। OH ले लो, NH2 ले लो, Cl नेगेटिव ले लो, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसमें ये प्रोन है कि आराम से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकता है, क्योंकि हमारे पास जो सेंटर है जिसपे अट्रैक्ट होना है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो हम इसको अटैक कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है जो आपने पहले भी पढ़ी, आगे भी देखी, वो सब इसमें हम कर सकते हैं। चलिए अब हम पहले करते हैं वॉटर के साथ इसका हाइड्रोलिसिस, वो भी एडिशन ऑफ OH है,
वो भी एक किस्म का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है जो कि NH2 को रिप्लेस करके किसी और चीज में बदल सकता है। देखिए क्या मतलब है, पहले हम एक एग्जांपल करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस नहीं, हाइड्रोलिसिस, ये है हमारा एमाइड, हमने इसमें वाटर का एडिशन करना है और ये हमारा बंध तब्दील हो जाएगा RCOH+ अमोनिया। तो देखिए हमने क्या किया, इस NH2 को OH से रिप्लेस किया। अब वो OH क्या है, वो एक हमारा न्यूक्लियोफाइल है जो इस NH2 को हटा रहा है। किस तरीके से हटा रहा है, OH का अटैक, ये C+ हो जाएगा और NH2 को बाहर कर देगा और हमारा NH2 है, हमारे पास वाटर में क्या है, H+ और OH नेगेटिव। तो देखिए क्या हुआ, OH नेगेटिव तो यहाँ आ गया लेकिन H+ तो वही था, वो कहाँ चला गया, जब NH2 बाहर निकल गया उसने उस H को ले लिया और हमारे पास एसिड बन गया। तो किसी भी एमाइड की अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो किससे करते हैं, पानी से करते हैं, वो किस में तब्दील हो जाता है, वो एसिड में तब्दील हो जाता है, ये तो इसकी विशेषता है। लेकिन एसिड बनाने की एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया है, बहुत बड़ी विधि है कि हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे को ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो ये हो गई इसकी तीसरी विशेषता कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही एक उदाहरण कह सकते हैं हम, कि हम अगर हम इसको एमाइड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं, एसिड इसके साथ वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये एसिड में बदल सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल लें उदाहरण से हम और अच्छी तरह समझ पाएंगे कि क्या है। चलिए हम लेते हैं एसिटामाइड को और हमने क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब हो गया H+ OH नेगेटिव, तो हुआ क्या, CH3COOH+ अमोनिया। तो अगर ये पूछ सकते हैं हम एसिटिक एसिड कैसे बना सकते हैं किसी एसिटामाइड से, तो ये क्या कंपाउंड है, ये है एसिटामाइड। एसिटामाइड को हमने किस में तब्दील कर दिया, एसिटिक एसिड में, ये है एसिटिक एसिड और ये है अमोनिया। अब अगर एसिटिक एसिड में अमोनिया डाल दें तो क्या बन जाएगा, एमाइड। तो एमाइड बनाने की विधि जो हमने सबसे पहले की थी क्या थी, एसिड को अमोनिया के साथ ट्रीट। तो हम एसिड से एमाइड भी बना सकते हैं और एमाइड को वापस एसिड में भी बदल सकते हैं, किस प्रतिक्रिया से, पानी ऐड करने से, अपघटन वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करने से, वाटर हाइड्रोलिसिस करने से हम इसको इसमें बदल सकते हैं। चलिए अब हम इसकी एक और विशेषता पढ़ते हैं, अगर हम एमाइड्स की डिहाइड्रेशन करें, हम एमाइड्स में से हम उसको ऐसे मीडिया में डाल दें जो कि उसमें से पानी को निकाल दें, तो क्या बोलेंगे हम, डिहाइड्रेशन। ये बड़ी आराम से डिहाइड्रेट हो जाते हैं और डिहाइड्रेशन इसको बदल देता है, कॉजेस कन्वर्शन टू नाइट्राइज। मतलब एमाइड्स किस में बदल जाएंगे, नाइट्राइज में, अगर हम इसकी डिहाइड्रेशन करें। से हमने लिखा RCONH2 और हमने आपको पहले भी मैंने बताया P2O5 जिसको बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। तो फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो इसमें से वाटर को निकाल देगा। आप ऐसे भी देख सकते हो, ये देखिए, तो ये किस में बदल गया, RC(NH2)नाइट्राइल। और अगर हमने अभी जब इसकी प्रिपरेशन पढ़ी थी तो हमने क्या बोला, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, हमने नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस करी, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करी, तो हमारा किस में तब्दील हो गया था, एमाइड में, और एमाइड में से अगर हम वाटर निकाल दें तो नाइट्राइल बन गया। तो क्या है ये, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एमाइड्स रिजल्ट्स कन्वर्शन टू नाइट्राइल। मीन्स अगर हम एमाइड को नाइट्राइल में बदलना चाहें, हम कैसे बदल सकते हैं, हम उसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट जिसको भी हम फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड कहते हैं उसके ऊपर डाल देंगे। तो P2O5 का क्या काम है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का, उसका काम है मैं इसमें से पानी को बाहर निकाल दूं। जैसे कि अभी हम एक एग्जाम्पल दे दें, हम ले रहे हैं बेंजामाइड, ये है बेंजीन और इसके पास है CONH2। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं इसमें से वाटर निकाल रही हूँ, कैसे निकाल रही हूँ, हमने P2O5 डाल दिया।
P2O5 का काम है वाटर को निकालना, इसमें से पानी का मॉलिक्यूल निकला और हमें मिल गया C हमारे पास बन गया बेंजोनाइट्राइल। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, तो कभी भी हम नाइट्राइल में पानी डालेंगे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एमाइड बनेगा, नाइट्राइल से एमाइड से पानी निकालेंगे तो हमारे को मिल जाएगा, नाइट्राइल से पानी निकालेंगे तो मिल जाएगा साइनाइड्स या नाइट्राइल्स। ठीक हो गया, चलिए हमें कोर प्रॉपर्टीज की पढ़ते हैं, कोर विशेषता पढ़ते हैं कि हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं और अगर हमने रिड्यूस किया तो ये किस में बदल सकता है, ये हम रिड्यूस करें तो ये किस में बदल सकता है। रिडक्शन अभी तक आप जान चुके हो, रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है, ऑक्सीजन का हटाना और ऑक्सीजन का हटाना और हाइड्रोजन का ऐड होना, तो हम इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हम लिखते हैं RCONH2, इसमें से हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला या हम सोडियम एंड एल्कोहल भी ले सकते हैं, और ये हमारा RCH2NH2 में बदल गया। तो हमने देखिए मॉलिक्यूल को, देखिए मॉलिक्यूल क्या था, RCONH2 है ना, तो हमने किसको रिड्यूस कर दिया, इसमें हमारा जो CO ग्रुप था उसमें ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो ये किसमें बदल गया, CH2 में। तो क्या बताया मैंने, रिडक्शन होता है हम हाइड्रोजन का एडिशन, O का रिमूवल, तो हमारे पास क्या था यहाँ O को हटा दिया, उसकी जगह क्या ऐड हो गया H2, तो बन गया हमारा अमीन्स। सो जो भी अमाइड्स को अगर हमने अमीन्स में कन्वर्ट करना है तो रिडक्शन ऑफ अमाइड टू अमीन्स किसमें बदल दिया, किसमें उसको कन्वर्ट कर दिया, अमाइड को हमने अमीन में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट कर दिया, क्या रिएजेंट यूज हुआ, इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम यूनियम हाइड्राइड, ये एक यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और अभी तक जितनी भी हमने श्रेणियां पढ़ी डेरिवेटिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो जनरली हमने जिसका इस्तेमाल किया वो क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अभी इससे पहले ही हमने एसिड एनहाइड्राइड्स को किया, उसमें भी हमने उसको कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल में, तो क्या इस्तेमाल किया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये एक यूनिवर्सल रिएजेंट है जो कि हाइड्रोजन की एफिशिएंसी ऐड करने में हेल्प करता है, तो ये हाइड्रोजन डाल रहे हैं और उसको निकाल रहे हैं ऑक्सीजन। अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं और फिर आप जान जाएंगे कि ये कैसे काम करता है। अब हम लिख रहे हैं CH3CONH2, इसका नाम है एसिटामाइड, हमने इसको रिड्यूस करना है, हम डाल रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ये बदल जाता है CH3CH2NH2, इसका नाम है इथाइल अमीन। तो क्या हुआ कि हम किसी भी अमाइड को अमीन में बदल सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, हमने इस्तेमाल करना है रिड्यूसिंग एजेंट जिसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक हो गया, एक इसकी बहुत विशेष अंतिम रिएक्शन है जो है, तो एक नाम से जानी जाती है जिसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, जो कि जो भी अमाइड्स हैं अगर हम उनको NaOH और ब्रोमीन के साथ या KOH और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें लास्ट में पानी ऐड करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो है अमीन। तो अमाइड को अमीन बनाने का एक तो विधि हो गई जो भी हमने बताई, रिड्यूस करके अमाइड को अमीन बनाने के लिए एक और विधि है जिसको हम बोलते हैं हाफमैन ब्रोमाइड, मगर इसमें जो अमीन बनेगा वो एक कार्बन कम होगा। इसमें आपने क्या किया, एक अमाइड में दो कार्बन थे, आपको वही दो कार्बन मिले, लेकिन इस विधि से जब हम अमीन बनाएंगे उसमें एक कार्बन कम होगा, तो उस रिएक्शन का नाम है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अब मैं बताती हूँ वो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है क्या।
ये है RCONH2 प्लस NaOH या KOH प्लस ब्रोमीन गिव्स अस RNH2 प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस. तो क्या है, ये था हमारा अमाइड और ये कन्वर्ट. इसमें कितने कार्बन है, आर कुछ भी मान लेते हैं, जितने भी कार्बन है, चलिए जितने भी कार्बन है, सपोज ये आर मिथाइल है तो मिथाइल और CO दो कार्बन, लेकिन जो अमीन हमें मिल रहा है उसमें एक ही कार्बन है. अभी जो अपने इससे पहले विधि करी, अमीन बनाया हमने वो रिडक्शन था, उसमें कार्बन उतने ही रहे. यहाँ अगर हम जो अमीन बना रहे हैं उसमें जो अमीन बन रही है उसमें एक कार्बन कम. अब इसको हम अच्छे से कैसे समझते हैं, ये है हमारा एसिटामाइड और अगर हमने इसकी काफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करी NaOH और KOH प्लस Br2 तो हमें क्या कंपाउंड बन गया, CH3NH2 प्लस सोडियम कार्बोनेट वाटर. देखिए हम क्या ले रहे हैं, एसिटामाइड CH3CONH2 कितने कार्बन है, 1 और 2 और यहाँ जो हमें अमीन मिल रहा है इसका नाम है मिथाइल अमीन, तो कितने कार्बन हो गए, एक कार्बन. तो क्या हो गया, किसी भी कोई भी अमीन बनाने के लिए जो विधि है अमाइड से जानने के लिए, लेकिन जो अमीन बनना है उसमें एक कार्बन कम हो. तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं अमाइड डेरिवेटिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड की, जिसमें मैंने आपसे बताया क्या है, कौन सा ग्रुप होना चाहिए, CONH2 ग्रुप होना चाहिए. हम बनाते कैसे हैं उसको, पहला ही मैंने आपको एक मेथड बताया कि हम एसिड से बनाते हैं, हम एसिड में अमोनिया डालते हैं, अमोनियम सॉल्ट बनाते हैं, हीट करते हैं, वो हमारे को एमाइड बन जाता है. ऐसे ही हमने एनहाइड्राइड्स में अमोनिया डाला तो हमारे को कंपाउंड मिल गया, ऐसे ही हमने नाइट्राइल्स में हाइड्रोलिसिस करी, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, हमें अमाइड बन गया. तो ये अमाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोटीन का जो बिल्ड है, मेन स्ट्रक्चर है, उसमें पॉलीअमाइड्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड लिंकेजेस होती है, इसको पेप्टाइड लिंकेज भी बोला जाता है. अमाइड ग्रुप को पेप्टाइड ग्रुप भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन्स में पाए जाते हैं और प्रोटीन्स क्या है, पॉलीपेप्टाइड्स, मींस बहुत सारे CONH, पॉली का मतलब ज्यादा और CONH का मतलब CONH ग्रुप, बहुत सारे हैं इसलिए वो प्रोटीन का पार्ट है. तो इसकी ये बहुत बड़ी विशेषता है. फिर मैंने आपको इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई, ये एसिडिक भी बिहेव करता है, बेसिक भी बिहेव करता है, थोड़ा एसिडिक है थोड़ा बेसिक है. न्यूट्रल की लिटमस पेपर अगर आप रेड लिटमस डालोगे तो स्लाइट ब्लू हो जाएगा और ब्लू डालोगे तो स्लाइट सा रेड हो जाएगा. ए वेरी टाइप ऑफ ए न्यूट्रल टाइप ऑफ ए कंपाउंड, लेकिन दोनों प्रॉपर्टी है. यू कैन हम बोल सकते हैं वीकली बेसिक और वीकली एसिडिक. वीकली एसिडिक है तो ये सोडियम सॉल्ट बनाता है, वीकली बेसिक है तो ये सॉल्ट बनाता है, हाइड्रोक्लोराइड्स बना देता है, ऐड कर देता है. ऐसे ही इसकी विशेषता हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है और कुछ हमने चुनिंदा विशेषताएं करी जिससे हमने इसको डिहाइड्रेशन किया तो नाइट्राइल बना दिया, हाइड्रोलिसिस करी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करी और ऐसे ही अंत में जो लास्ट हमने रिएक्शन करी हाफ मैन ब्रोमाइड कर दी जिससे कि हमने इसको अमीन्स में करी.